देश में आज रोजगार मेले का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए 71,000 नियुक्ति पत्र। रायपुर में भी रोजगार मेले के तहत 212 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद मंत्री पटेल शामिल। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले। छत्तीसगढ़ में भी मिले 326 संक्रमित। और कोरिया जिले ने मनरेगा में बनाया नया रिकॉर्ड। ग्राम पंचायत कचोहर में पंजीकृत परिवार को मिला 100 दिन का रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेन्द्र साहू। अब समाचार विस्तार से। देश में आज अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 71,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें युवाओं को केंद्र सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी मिली। श्री मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं और उनके परिवार को बधाई दी। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। बावजूद इसके दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सबके बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देशवासियों को वैशाखी की बधाई भी दी। रोजगार मेले के अंतर्गत रायपुर में भी 212 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। यह आयोजन रेल मंडल के सामुदायिक भवन WRS कॉलोनी में रखा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और रायपुर के सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना की। CNW पोस्ट पर नियुक्ति मिली है और मैं 2019 के लिए इसके लिए तैयारी कर रहा था। कोरोना काल कारण 2 साल जरूर लेट हुआ, लेकिन आज फाइनली हमको ज्वाइनिंग मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ने भाषण भी अच्छा सा और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मेरा रेलवे में ट्रैक मेंटेनर में सिलेक्शन हुआ है। 2019 में मैंने फॉर्म भरा था और काफ़ी संघर्ष के बाद मुझे आज नियुक्ति मिली है यहाँ रायपुर में। मेरा चयन रेलवे में असिस्टेंट CNW के लिए हुआ है। मैंने ये फॉर्म 2019 में भरा था। 2022 सितंबर में ये मेरा एग्ज़ाम हुआ है और 2023 में मेरी नियुक्ति हुई है। मैं ये नियुक्ति पाकर बहुत खुश हूँ। मैं इस रोजगार मेले के द्वारा के आयोजन के द्वारा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बधाई दी और कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प सतत पूरा हो रहा है। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा पीढ़ी आने वाले समय में हमसे ज्यादा ऊंचाइयां भारत माता को देगी। 605 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, तो 10 लाख लोगों को एक वर्ष में रोजगार देने का संकल्प था वो सतत पूरा हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि अब जो रोजगार का सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेता है, नियुक्ति पत्र लेता है, वो अगले आने वाले 25 वर्ष की यात्रा का प्रखर प्रहरी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो ये पीढ़ी जो आज जिम्मेदारियों का कमान संभाल रही है हमसे ज़्यादा ऊंचाइयां भारत माता को देंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाकर नियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब कोविड के सक्रिय मामले करीब 45,000 हो गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 4,381 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 326 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 44 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सक्रिय मामले 994 तक पहुंच गए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 7.44% है। सक्ती जिले की नगर पंचायत अड़भार में बीजेपी ने सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया, जहां भाजपा की संयोगिता सिंह जुदेव ने वरिष्ठ जनों को भागवत गीता, श्रीफल और गमछा भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में संयोगिता सिंह जुदेव ने कहा कि सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत हम सामाजिक एकता को लेकर हर वर्ग में जा रहे हैं। 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग जितने भी सेवा कार्य होते हैं उनको कर रहे हैं, पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। सामाजिक समरसता को लेकर, सामाजिक एकता को लेकर हर वर्ग में हम लोग जा रहे हैं, उनके बीच भोजन कर रहे हैं, साफ सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, माल्यार्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज अड़भार नगर पंचायत में, अड़भार मंडल में, यहाँ पूरे 15 वार्डों के वरिष्ठ कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा और महामंत्री टिकेश्वर गबेल भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। मोहला मानपुर जिले में भी हाथियों ने दस्तक दी है और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग मुनादी कर ग्रामीणों को अलर्ट कर रहा है। राजनांदगांव वन मंडलाधिकारी सलमा फारूकी ने बताया कि हाथियों का दल गढ़चिरौली जिले से मानपुर की ओर बढ़ रहा है, जिनकी संख्या करीब 20 से 22 है। सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। माइग्रेट करके इधर आया हुआ है। 20 से 22 हाथी हैं, जिसमें मिक्स हैं, मेल फीमेल और बच्चे भी हैं। और हमारे जो स्टाफ हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, गांव में मुनादी करा दी गई है कि उनके पास कोई भी सामने ना जाए। सेल्फी के शौकीन जाते हैं, उससे कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये मुनादी करा के लोगों को बता दिए कि आसपास के लोग उसमें हैबिचुएट हैं, हाथियों का आना तो रेगुलर होता ही रहता है। लोगों को हाथियों के पास नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है। गौरतलब है कि पहले भी 25 से 26 हाथियों का दल मानपुर मोहला पहुँचा था। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल को होगी। हर दिन ऑनलाइन परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 केंद्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाए गए हैं। भिलाई के सिरसा कला स्थित पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोंडरी स्थित लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना स्थित पार्थिवी प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 24 नवंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनेकता में एकता का जिक्र किया था। आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। कांकेर जिले के माकड़ी में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में अलग अलग आईटीआई के 35 छात्र शामिल हुए। अप्रेंटिसशिप मेले का मुख्य उद्देश्य आईटीआई पास कर चुके छात्रों में बेहतर कौशल क्षमता विकसित करना है। यहां पहुंचे छात्रों ने बताया कि इस मेले में रजिस्ट्रेशन, छात्रवृत्ति समेत उनके करियर से जुड़ी कई चीज़ों की जानकारी दी गई। अप्रेंटिस मेला हुआ जिसमें जो पुराने स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट, और हमें बताया गया है कि कैसे आगे पढ़ाई करना है, और अप्रेंटिस मेला में रजिस्ट्रेशन, छात्रवृत्ति और वेतन के बारे में बताया गया है, जिसे हम आगे पढ़ाई और जॉब के बारे में बताई गई है। हम लोगों को अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में बताया गया, जिसमें उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बताया गया, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लगना है उसके बारे में हमको डिटेल में बताया गया, और आईटीआई के बाद हम लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहेंगे तो उसके बाद क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बताया गया। प्रभारी अधीक्षक देवदत्त वर्मा ने बताया कि इस मेले में आईटीआई पास आउट छात्रों को बुलाया गया था, उनका पंजीयन करवाया गया। उन सभी छात्रों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पीएम नाम प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें आईटीआई पास आउट, हमारे ज़िले के आईटीआई पास आउट बच्चों को इन्वाइट किया गया था ताकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकें और उनको अप्रेंटिसशिप कराने वाले कंपनी हैं वो उनको अप्रेंटिसशिप मिल सके। इस आयोजन में जानकारी पाकर छात्र काफी उत्साहित हैं। कोरिया जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले की ग्राम पंचायत कचोहर में प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष में तालाबों के गहरीकरण के तहत कुदरा तालाब और रजखेता तालाब का गहरीकरण किया गया, साथ ही 9 किसानों के भूमि का समतलीकरण कार्य पूरा कराया गया है। कुल 17 कार्य कराए गए हैं, जिनमें 14,831 मानव दिवस सृजित हुए हैं। हमारे गांव में रोजगार गारंटी काम में तालाब गहरीकरण, किसानों का समतलीकरण, रोजगार गारंटी में कंट्रीब्यूटर, ये सब काम करके हम सब मजदूर करके अपने परिवार को खुशहाल से जिला रहे हैं। बाहर काम खोजने नहीं जाना पड़ रहा है। इसी काम में हम समय से पैसा पाते हैं और समय बाल बच्चे परिवार जी आते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को, हमको कोई परेशानी नहीं है। जिला पंचायत कोरिया की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता जैन ने बताया कि यहाँ 96 जॉब कार्डधारी पंजीकृत परिवार हैं, जिनमें लगभग 80% परिवार अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। से करीबन हमारे बैकुंठपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड जॉब कार्ड धारक हैं, 96 जॉब कार्ड धारक हैं, वहाँ पे हमने उनको 100% एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। और ये बताना चाहूँगी कि 50% अराउंड जो है वो महिला मानव दिवस भी कन्वर्टेड हैं, तो महिलाएं भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मनरेगा के तहत अब उनको यहाँ पे ही रोज़गार मिल रहा है,
तो आशा है कि यहाँ पे रोजगार मिल रहा है तो वो पलायन यहाँ से नहीं करेंगे और यहाँ पे अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी ग्राम पंचायत कचोहर की इस उपलब्धि पर पूरी मनरेगा टीम को बधाई दी और कहा कि हमारा प्रयास है हर ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत काम मिले। विकास खंड है इसके दूरस्थ जो ग्राम है कचोहर करके, उसके अंतर्गत हमने लगभग 96 जॉब कार्ड्स वहाँ पे हमने जो दिए गए हैं और लगभग हमने 13,000 मैनडेज जो जनरेट किए थे पिछले वित्तीय वर्ष में, और सभी परिवारों को जो 96 परिवार हैं सबको हमने 100 डेज का जो है काम वो दिया था। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, हम ग्राम पंचायत वाइज हर एक ग्राम को इसमें मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि हर एक ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक हमारे जो मजदूरी मूलक कार्य हैं या फिर अन्य आवश्यक कार्य हैं उसको स्वीकृति करते हुए उनको जितना हमारा टारगेट है उसे अधिक हम अचीव करें। गौरतलब है कि कोरिया जिले में औसतन 63 मानव दिवस सृजन किया गया जो राज्य के औसत 51 से कहीं अधिक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।